खबर कुमाऊं से है, जहां कुमाऊं मंडल के कमिश्नर दीपक रावत ने पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचकर G20 सम्मेलन के लिए चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने सम्मेलन के दौरान एयरपोर्ट पर संचालित की जाने वाली गतिविधियों, सौंदर्यकरण, पार्किंग सहित तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही NHAI के अभियंताओं को रोड बनाने, पेंटिंग कराने के साथ ही निर्धारित क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित करने के आदेश दिए। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारे सफाई कराने के निर्देश दिए। DM युगल किशोर पंत ने निरीक्षण के दौरान जनपद में चल रही तैयारियों के बारे में कमिश्नर को विस्तार से जानकारी दी। उधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। और पूरी सीरियसनेस से काम चल रहा है। आज मैं ये देखने आया था कि कितना काम शुरू हो गया है, कहीं पे कोई कोऑर्डिनेशन का इशू डिपार्टमेंट्स के बीच में तो नहीं, तो ऐसा नहीं है। NH के भी काम शुरू हो गए हैं, एयरपोर्ट के भी जो काम होने थे ये भी शुरू हो गए हैं। सभी की टाइमलाइंस भी मैंने देखी कि हम वेल विद इन कम्फर्ट जोन इन कामों को कवर कर पाएँ, और निर्देश ये हैं कि अच्छे से अच्छा को किया जाता है। विशेषकर एयरपोर्ट से आने के बाद जो स्ट्रेच है हमारी रुद्रपुर शहर के अंदर, स्ट्रेच ब्यूटिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है। कुछ तो टेम्प्रेरी नेचर का होगा जो 3-4 दिन पहले ही होगा, लेकिन बाकी जो परमानेंट नेचर के काम है उस पर भी काम चल रहा है।